गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी डल हो गई है, बिल्कुल बेजान सी हो गई है। इधर मैंने वीडियो डाला हुआ है, नीचे की साइड में आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। तो मैंने ऐसा फेशियल किया है जिससे मेरा स्किन ग्लो कर रहा है। सबसे पहले हम स्क्रब के लिए लेंगे कॉफ़ी और पपाया, जहाँ पपाया विटामिन ए सी और ई जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, और ये खाने के साथ साथ हमारे फेस के लिए भी काफ़ी लाभदायक है फ्रेंड्स। और वही बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी में जो होता है वो हमारे ओपन पोर्स को क्लीन करता है, पिंपल्स को भी सॉल्व करता है, और डार्क सर्कल से भी छुटकारा दिलाता है, और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, और स्किन को हेल्दी ग्लोइंग बनाता है। सो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम मसाज करेंगे कॉफ़ी और पपाया को मिक्स करके, और आप देख सकते हैं जितनी भी जो डेड सेल्स वगैरह हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आप देखिएगा कि रिज़ल्ट कितना अच्छा निकल के आता है। और जो महंगे फेशियल आप मार्केट से लेंगे, पपाया के फेशियल किट तो अवेलेबल है ही, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम घर पर ही कर सकते हैं। तो यहाँ सेकेंड स्टेप के लिए मैंने लिया है एलोवेरा जेल, आमंड ऑयल। आमंड ऑयल की जगह आप विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और ये दोनों के साथ अब मैं लूँगी पपाया। इन तीनों को अच्छे से हम मिक्स कर, और ये देख सकते हैं आप मुझे, मैंने हाथ पे ही मिक्स कर उसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज किया है फ्रेंड्स। ओनली 3 स्टेप हमें करना है, ज़्यादा झंझट भी नहीं करना है, और आप देखेंगे कि कितना निखार आता है हमारे फेस पे। बिल्कुल जो फेस है ना, वो आपकी उम्र अगर 40 की है तो आप 30 के लगने वाले हैं, और 30 के हैं तो आप 20 के लगने वाले हैं। बिल्कुल आप अपनी उम्र से 10 साल फ्रेंड्स छोटे लगेंगे। और इस तरह से आप मसाज करेंगे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाज करेंगे। यहाँ मैंने वीडियो जो है स्पीड में किया है, और इस तरह से हम मसाज करेंगे आँखों के पास, अपने माउथ एरिया पे, फोरहेड पे अच्छे से मसाज करेंगे 5 से 7 मिनट तक, और देखिएगा कितना अच्छा स्किन पे ग्लो आता है फ्रेंड्स। बिल्कुल आप जवान लगेंगे। और क्या मैं बोलूँ इस फेशियल के बारे में, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा निकल के आया है। मैं तो आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर 15 दिन पर एक बार ज़रूर ये फेशियल को करिएगा, क्योंकि जो फ्रूट फेशियल होता है वो और बाज़ार के जो केमिकल वाले फेशियल किट होते हैं उनसे ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सस्ता होता है, और हमारे स्किन को हार्म नहीं पहुंचाता है। और देख सकते हैं मैंने किस तरह से मसाज किया है। अब मैं उसको क्लीन टॉवल से पोंछ लूँगी, और क्लीन टॉवल से पोंछने के बाद देन उसके बाद आती है फेस पैक की बारी। सो फ्रेंड्स, फेस पैक के लिए मैंने लिया है एक बाउल, बाउल में लिया है 1/2 टेबल स्पून पपाया, और फिर मैंने लिया है हनी। हनी तो हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को ग्लो करता है, और यंग बनाता है फॉरएवर के लिए। और रोज़ वाटर से हमें जो स्किन पे जो यू नो ठंडक प्रदान मिलता है, हमें बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है, सारे पिम्पल्स छाइयाँ भी दूर करता है। तो इन तीनों का मिश्रण हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, और थोड़ा लिक्विडी सा लगेगा, बट ये जो फेस पैक है यकीन मानिए आपकी उम्र को बिल्कुल, आप 40 के नहीं फ्रेंड्स 30 के लगने वाले हैं, अगर आप 30 के हैं तो 20 के ज़रूर लगेंगे। ये आप देखिएगा लास्ट में कि कितना ग्लो आएगा मेरे फेस पे। ऐसे तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने अपना दिखा दिया था फेस, और साथ में मैंने अपने हैंड पे भी लगा लिया है, और इसको हम रखेंगे 5 से 10 मिनट तक, थोड़ा ड्राई होने देंगे। हल्का हल्का ड्राई हो गया है, उसके बाद हम वॉश कर लेंगे, और आप रिज़ल्ट देखिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया है, और आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट ग्लोइंग सा लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं लगाया है मैंने, कुछ भी नहीं लगाया है। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में शेयर करें। बाय।